गाइस मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो घर पर जूसर जार होता है हम उसकी फिरकी को कैसे बदल सकते हैं। जूसर जार वैसे कुछ लोगों को पता नहीं कि जूसर जार मिक्सी का भी जूसर जार आता है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। और GMG का भी जूसर जार आता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है जो मिक्सी आती है मार्केट से लेके आते हैं या कहीं से भी लेके आते हैं उसके साथ ये दो जार ही आते हैं, जूसर वाला जार नहीं आता। पर मार्केट में अब जो मिक्सी वाला जूसर जार है वो रनिंग में आ रहा है, तो आज उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि GMG जूसर जार की फिरकी हम कैसे बदल सकते हैं। तो गाइज मैं प्रवीण, तो गाइज वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जिससे कि आपको नई नई गाइस वीडियो की मैंने अपडेट। आपको वीडियो की शुरुआत से पहले ही बता दिया था कि आज हम बात करेंगे कि जो मार्केट में एक जो मिक्सी का जार है जूसर जार वो भी रनिंग में आ रहा है। ये वाला जो जार मैंने लिया है ये मिक्सी का जार है। पहले मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, यदि आपको ये नहीं पता मिक्सी और GMG में फ़र्क क्या है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मिक्सी के जो जार होंगे या मिक्सी की जो जो मिक्सी होगी उसमें चार पैर की कपलर होगी, और जो GMG की होगी उसमें क्या होगा छह पैर की कपलर होगी। चाहे वो मिक्सी के ऊपर लगी हो या चाहे जार के नीचे लगी हो वो छह पैर की ही होगी। तो इनमें ये अंतर होता है, ठीक है। और कुछ सॉकेट का भी अंतर आता है, बहुत चीज़ों का अंतर आता है। वो जूस निकालने के लिए उसमें अलग सिस्टम आता है GMG वाले में, मिक्सी वाले में ऐसा नहीं होता। जूसर जार आता है वो अलग बात है, पर अभी अभी मिक्सी के साथ आने लगा है, पर कुछ पहले के जो मिक्सी है उनके साथ ये वाला जार नहीं आता। तो इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यदि किसी के पास ये वाला जार नहीं है तो आप लेके आ सकते हैं मार्केट में जूस बनाने के लिए, तो और मिक्सी में आप इसे चला सकते हैं। तो मिक्सी वाला जार मार्केट में, जी जार मिक्सी में का आप आपको जूसर फिरकी जार दिख रही होगी कि ये यहाँ से टूटी हुई है और इसके दांते भी थोड़े थोड़े घिसे हुए हैं। तो गैज ये फिरकी अब मिक्सी के, तो गैज ये जार है जो फिरकी है वो खराब हो चुकी है, इस जार की फिरकी खराब हो चुकी है। इसको मिक्सी के ऊपर लगाने पर इस जार को, तो जार घूम नहीं रहा है, यानी दोनों आपस में मिल नहीं रही है। तो गाइज क्या होता है कि गर्मियों में जब हम जूस बना रहे होते हैं और अचानक से जब ये फिरकी कट जाती है खराब हो जाती है तो हमें बहुत सी दिक्कत आती है। यदि हमको ये बदलनी आए, हमें चेंज करनी आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। और मार्केट में से ये एक्स्ट्रा इस टाइप की GMG कपलर वो मिक्सी की जार के अकॉर्डिंग हम लेके आए और वो एक्स्ट्रा हो और उस तरीके से हम चेंज कर लें तो हमारी दिक्कत कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। तो उसी पे क्या करेंगे, हम कैसे बदल सकते हैं। तो गाइज क्या होगा, इसके अंदर ब्लेड आती है, जब ब्लेड तक हम इसके इस अंदर ब्लेड को नहीं पकड़ेंगे यानी इस जो स्पैंडल है उसको घूमने नहीं देंगे तभी ये फिरकी हमसे खुलेगी। तो गाइज ये मार्केट में टूल्स आता है, मैंने बता दिया ये मार्केट में टूल्स 35-40 रुपए तक मिल जाएगा, और ये टूल्स की सहायता से आसानी से बदल सकते हैं जो एकदम नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है जिससे मैं बताया कि प्लास की सहायता से हम घर पर मिक्सी के जार की फिरकी कैसे बदल सकते हैं। तो गाइज हम इसको इस तरीके से इसमें अटका लेंगे, इस चीज में अटका लेंगे, इसमें अटकाएंगे, इस मैंने इस GMG जार की फिरकी है इसमें अटका लेंगे और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। तो गाइस जी इतनी टाइट नहीं है पर थोड़ी सी टाइट है तो इसको जोर लगाएंगे थोड़ा सा। तो गाइस देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज खुल गई गाइज, तो देख सकते हैं कि फिरकी कटी हुई है, टूटी हुई है। अब नई फिरकी लेके आएंगे मार्केट से, आपको 3-4 ऐसी इस टाइप की मिक्सी के जार के अकॉर्डिंग आपको फिरकी घर पर एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। ये GMG जार की फिरकी है छह पैर की, ये 10 रुपये में आराम से मार्केट में मिल जाएगी आपको। तो इसको आप किस तरफ टाइट करेंगे, इससे उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगी और ये थोड़ी उठी हुई फिरकी है, और इसमें प्लेन फिरकी भी आती है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट कर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टाइट कर लेंगे इसको। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको पहले ही गैस, कई बार क्या रहता है हम जब जार की जो कपलर है उसको चेंज करते हैं, जार की फिरकी को चेंज करते हैं तो उसमें थोड़ा प्ले रह जाती है, तो हम उसको कैसे दूर करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसको वाशर की सहायता से हम दूर कर सकते हैं। इस वाली फिरकी की बात कर रहा था, ये नीचे से फ्लेट है यानी उस फिरकी को लगाएंगे तो हमें कुछ वाशर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसमें ये फायदा रहता है।
और इसमें हमें वास्तव ज्यादा लगाने पड़ते हैं, इसका गाइस अंतर आपको है। वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी है। यदि वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी शिकायत है, तो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।